नमस्कार, आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रजनी सूर्यवंशी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की तरफ से एक बेहद ही सराहनीय काम किया गया है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आए दिनों ऑनलाइन फ्रॉड्स लोगों के साथ हो रहे हैं, साइबर क्राइम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस ने भी अपनी कमर जो है वो कस ली है ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए। हम आपको बता दें कि डोडा पुलिस की तरफ से ये बहुत ही सफलतापूर्वक एक केस जो है वो सॉल्व किया गया है, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन जो डिफ्रॉडेड अमाउंट था उसे रिकवर कर लिया है और ये अमाउंट जो है वो 64,500 है। हम आपको जानकारी दे दें कि एक स्टेटमेंट जो डोडा पुलिस की तरफ से जारी किया गया था उसमें बताया गया कि जब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की है उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी और कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसे में एक टीम तैयार की गई जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट था। उनकी कड़ी मेहनत के बाद और लगन के बाद और हम ये कहेंगे कि निस्वार्थ सेवा के बाद ये मुमकिन हो पाया है कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड में पैसा चला गया था उसे रिकवर कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने जो है जानकारी देते हुए ये कहा कि एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई गई थी सुरेश कुमार सनफ गौतम ऋषि आरो धरेजा भद्रवा की तरफ से। ये कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति का नाम है और हम आपको बता दें कि डोडा में ये भद्रवा डोडा में जो है ये कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसमें बताया गया था कि इनका जो ऑनलाइन अमाउंट जो फ्रॉड में चला गया है वो 64,500 रुपीज़ है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि जैसे ही इसकी कंप्लेन दर्ज हुई डोडा पुलिस और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो तुरंत हरकत में आ गए थे और इसके बाद पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो शुरू कर दी गई। और हम आपको ये भी बताएं कि इसके बाद जो है ये जो पैसा था ये रिकवर कर लिया गया। और साथ में हम आपको बता दें कि एसएसपी डोडा श्री जावेद इकबाल जो हैं उनका यही लोगों को कहना है कि आप जो हैं इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी किसी भी जो लिंक आपको किसी ऐसे अननोन नंबर से आते हैं उन पर क्लिक ना करें, ना ही किसी को फॉरवर्ड करें। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी के लिए भी ट्रांजैक्शन ना करें या फिर कहीं से भी ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज अगर आपको आता है पेमेंट रिसीव करने के लिए भी, तब भी बिना जांच पड़ताल के आप ऐसा ना करें, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। क्योंकि ये तो ऑनलाइन फ्रॉड में जो है अमाउंट आपका जा रहा है, लेकिन इसी तरीके के और भी फ्रॉड्स हैं जिसमें आपका पर्सनल डेटा जो है वो भी ये स्कैमर्स, ये जो स्पैमर्स लोग बैठे होते हैं वो आपका डेटा जो है वो चोरी कर लेते हैं। ऐसे में आपको ऑनलाइन भी जो है सुरक्षित होना होगा, उसके लिए आपको खुद को शिक्षित करना होगा, यानी कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से आपको सेफ रहना है, किस सोशल ऐप्स को आपको यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बता दें कि एसएसपी डोडा की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी आती है या इस तरीके का फ्रॉड किसी के साथ होता है तो वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1930 है और पीसीआर डोडा का जो नंबर है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि एसएसपी डोडा की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग जो है ऑनलाइन अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि आपको www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है और साथ में www.ceir.gov.in पर आप अपनी जो है आपका अगर खोया हुआ मोबाइल फ़ोन है या कुछ भी जो आपकी चीज़ें कोई अगर चोरी हो जाती है तो आप उसकी कंप्लेंट दूसरी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि ये जो कदम उठाया गया है डोडा पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से आपको ऑनलाइन वेबसाइट भी दे दी गई है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करें, आपको नेशनल हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है ताकि आपको सेफ रखा जाए। और डोडा पुलिस की तरफ से यही कहा गया है कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक आप
किसी भी लिंक पर जो है क्लिक ना करें, ना ही किसी अननोन पर्सन की कॉल पिक करें, यानी कि जिस तरीके से आजकल कॉल आते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं या कुछ भी, इस तरीके की चीज़ों से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि सबसे पहले आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, और अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो उसके बाद डोडा पुलिस जो है वो हरदम तैयार है आपकी सेवा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए।